Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रात पुरनूर चांद का दीदार हुआ है और इसी के साथ माहे रमजान का आगाज भी। हमारे हमवतन मुसलमान भाइयों ने भी तमाम उम्मा की तरह अल्लाह पाक की बारगाह में इबादत की है, तवारीख की है। बंदा ओ साहब ओ मोहताज ओ गनी एक हुए, तेरे सरकार में पहुंचे तो सब एक हुए, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। बेशक इस दफा हमारे मुसलमान भाइयों को मसाजिदों में जाकर नमाज अदा करने का मौका नहीं मिल रहा है। दीन इस्लाम यह भी तो बताता है कि अल खल्कु अयालुल्लाह, सारी कायनात अल्लाह का कुंभ है, घर है। अगर सारी कायनात अल्लाह का कुंभ है, घर है, तो हमारा तुम्हारा घर उससे अलग कैसे हुआ? और अगर हम नमाज अपने घरों में अदा करते हैं तो अल्लाह के घर में ही अदा करते हैं। जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि मोहम्मद पैगंबर नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया था कि खास मौकों पर नमाज घरों में अदा की जा सकती है, और वो खुद भी तवारीख की नमाज अकेले घर पर अदा किया करते थे ताकि अल्लाह ताला के बारगाह में इबादत करते वक्त कोई खलल ना पड़े। आप हुजूर ने तेजी से मुंतकिर होने वाले फैलने वाले बीमारियों के दरमियान घरों में रहकर इबादत करने को सही बताया था। अल तिमरदी में एक वाकया आया है जब नबी करीम के साथी और दूसरे खलीफा हजरत उमर सीरिया के लिए कूच कर चुके थे अपने साथियों के साथ। तब उन्हें वहां प्लेग फैलने की खबर मिली और उन्होंने ये फैसला किया कि वो वापस लौटेंगे। जब उनके साथियों ने कहा कि ऐसा आप क्यों करेंगे, तब हजरत उमर ने फरमाया कि जैसे सीरिया के लिए कूच करने का फैसला और उसके लिए जो चाहत थी वो अल्लाह तबारक ताला की थी, अल्लाह ताला की थी, उसी तरह से ये लौटने का फैसला भी उन्हीं की चाहत है। दरअसल हमने सहरी करनी है, इफ्तार करना है, और ये सही है कि इफ्तारी और सहरी के वक्त फलों और मज़ेदार लजीज पकवानों का दस्तरखान इस बार नहीं सजेगा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम्हारे पास रोज़ा तोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो दो खजूर और पानी से अपना रोजा तोड़ सकते हो, खोल सकते हो। यह महीना तो सुबह सादिक से लेकर मगरिब आफ्ताब तक दिल से तहे दिल से अपने फर्ज को निभाने का महीना है। यह मुकद्दस महीना है इबादत के फर्ज को निभाने का, नफ्स के ख्वाहिशों से निजात हासिल करने का, सब्र के फर्ज का, रोजे के फर्ज का, ये अहम फर्जों को निभाने का ये मुकद्दस महीना है। कुराने पाक में लिखा है हिस्बुनल्लाहु व निहमल वकील, निहमल मौला व निहमन नसीर। मतलब है कि अल्लाह की मिन्नत करो, जकात दो, रोजा रखो, परवरदिगार ही तुम्हें सबसे बड़ा मुहाफिज है तुम्हारा और मददगार भी। तो क्या हुआ कि लैलतुल कद्र और लैलतुल जायजा अर्थात चांद रात में आप घरों से बाहर ना निकल पाए। जरूरत पड़ने पर नबी करीम ने भी सुलह हुदूबिया किया था, 9 साल 9 महीने 9 दिनों के लिए। आपको तो सिर्फ 1 महीने के लिए रुकना है,
कुरैश कबीले से किए गए इस जो सुलह हुदैबिया का परिणाम ये हुआ कि केवल 2 साल में ही वापस मदीने से वो मक्का जा सके अपने अनुयायियों के साथ, और जैसा चाहा था वैसा हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस जैसे पोशीदा और खतरनाक इंसानी दुश्मन से मुकाबला लेने के लिए ही शायद इबादत का ये महीना आया है। बारगाहे इलाही में इबादतों और सदाकतों में सब्र के साथ यह महीना हमें निकालना है, जब तलक हम इसके वजूहातों का पक्का पता नहीं लगा लेते और पुख्ता सर्तियां इलाज नहीं ढूंढ लेते, तब तलक हमें यही मान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला की यही मर्जी है कि हम अपनों के साथ अपने घरों में रहकर रमजान का ये मुबारक और मुकद्दस महीना गुजारें। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि रमजान उन मुबारक की जानिब से सूरह बकरा की आयत में ये कहा गया है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा उसी तरह से फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले आने वाली कौमों पर रोजा फर्ज किया गया था, ताकि तुम परहेजगार बन सको, ताकि तुम तकवा कर सको, ताकि तुम अपने नफसी ख्वाहिशों से निजात पा सको। तो सब्र करना सीखो, परहेजगार बनना सीखो। कुछ के अपवाद छोड़ दे तो आप और हम सब ने बड़ी जिम्मेदारी का परिचय दिया है, बड़ी जवाबदारी से अपने शहरी होने का कर्तव्य निभाया है। हम अब निभा रहे हैं, कोशिशें जारी और तारी हैं, सब मिलकर हम कोशिशें कर रहे हैं, आप और हम सब। और हमें उम्मीद है कि सच्चे दिल से की गई आपकी दुआओं का असर और हमारी प्रार्थनाओं का असर जरूर होगा। इंसानी हौसलों के आगे कोरोना ये जंग हारेगा जरूर, और हम जीतेंगे जरूर, होंगे कामयाब जरूर। आमीन। जय हिंद।